When our family faced serious financial crisis, Premkala, then a housewife, decided to stand up for them. Aided by Bandhan's business loans, she secured her child's future and her husband's dreams. This is her story. मैं हाउसवाइफ हूँ एक और मेरा हस्बैंड होटल में काम करता था. उसका सैलरी से गुजर होता था. पहले तो मैं घर में था, काम नहीं करता था. वो मेरा हस्बैंड करता था काम. बाद में बच्चा हो गया उस टाइम हमको और ज़्यादा का पैसे का ज़रूरत हो गया. इसलिए हमने सोचा बिजनेस करने, मेरा हस्बैंड ने सोचा बिजनेस करने के लिए. और हम दोनों ने प्लान किया रेस्टोरेंट खोलने के लिए. बंधन लोन दे रहे ये मालूम हो गया था, इसलिए हमने बंधन से लोन ले लिया. बाद में 45,000 मिला. उसने हम दोनों ने सोचा रेस्टोरेंट खोलने के लिए. पहले हमारा रेस्टोरेंट में स्टाफ कम था. स्टाफ एक वेटर था, एक कुक था और मैं हेल्प करता था. रेस्टोरेंट चलने लगा, कस्टमर आने लगा, इसलिए स्टाफ भी बढ़ाना पड़ा हमें. मुझे बहुत गर्व होता है, मैं छोटा से इतना बड़ा बिजनेस बढ़ गया है मेरा. उसके बाद हमने ट्रैवल खोल लिया. ट्रेवल्स चलता रहा था. गाड़ी भी खरीद दिया बंधन के लोन से. रेस्टोरेंट चलाने के बाद हमने वो होम स्टे भी खोल लिया. हमारा लोन 12,000 से 2,80,000 हो गया. अब बंधन के पैसे से बहुत बहुत सपोर्ट हो गया. बंधन के पैसे से नहीं, हमने शुरू किया था पहले. बंधन का लोन बहुत अच्छा लगा क्योंकि दूसरा बैंक में तो ज़्यादा प्रोसेस चलता है और बार बार जाना पड़ता है, पर बंधन में ऐसा नहीं है. बंधन में एक ही बार में आसानी से देता है. इतने साल रेगुलर दिया है पैसे, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं किया है. बंधन का जो सर्विस है वो घर से ही मिलता है. बंधन का लोग घर में आके वेरिफिकेशन करके उसको अच्छा लगता है तो हमको घर में आके सर्विस देता है. क्यूआर होने से तो ज़्यादा फायदा है, बैंक में जाना ही नहीं पड़ता है. हम सब पैसे ऑनलाइन से करते हैं और वो चेंज का भी झमेला नहीं होता है, डायरेक्ट बंधन बैंक में आता है. मैं सब हाउसवाइफ को कहना चाहती हूँ, आप लोग घर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते हो. आप लोग बंधन से लोन ले लीजिए. बंधन से बिजनेस करने के लिए लोन देता है. आप वहाँ से बंधन से लोन लेके बिजनेस कर सकते हो, मेरे जैसे बन सकते हो. मेरी कुछ भी नहीं था, मेरी बंधन लोन लेके ही इतना बड़ा बिजनेसमैन वुमेन हो गया हूँ. Today, with hopes of further expanding and diversifying her businesses, Prem, supported by her husband, marches on.